जो भी कहिए, आज का दिन ना थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए भाई। साल का आखिरी दिन है, कोई मजाक थोड़ी ना है। तो चलिए आज एक अलग ही नजर से आपको दिखाते हैं नजर की कहानी। अब नजर के सेट पर जाके चुड़ैल और डायन के बीच की और डावंश के बीच की लड़ाई झगड़ा खूब दिखाया हमने आपको, लेकिन आज इनके बिहाइंड द सीन्स मस्ती पर डाल लीजिए एक नजर। खेल खेल में शूटिंग कैसे की जाती है, चलिए आपको आज दिखाते हैं सीरियल नजर के सेट पर। अब फ्रिज को लेकर सीन क्या होने वाला है ये हम आपको बाद में बताते हैं। पहले दिखाते हैं कि चाची जी को मस्ती सूझ रही है तो फ्रिज के अंदर बैठकर कैसे वो अपना वीडियो बना रही हैं, ये आप देखिए। वीडियो बनाने के बाद फोटो खींचना भी जरूरी है, शूटिंग का मजा फोटो खींचे बिना थोड़े ना आता है। चाची जी और चाचा जी फ्रिज वाली मस्ती खेलकर हो गई हो तो चलिए सीन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। दरअसल यहाँ पर सीन कुछ ऐसा होने वाला है, मोहना ने कुछ ऐसा किया जिसके चलते वेचरी बर्फ बन गई है। राठौर फैमिली में हर रोज कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, तो अभी देवश्री बर्फ बन चुकी है। देवश्री को बर्फ बना दे, घर वाले चौंक गए हैं कि भाभी जी आपको ये क्या हो गया। भाभी भाभी बड़ी माँ फिर भाभी हमने ठीक कैसे कर पाए, जब तक हमें कोई उपाय नहीं मिल जाता हमें भी फ्रिज में ही रहना है। अब इन सबको क्या पता कि ये तो मोहना ने किया है, तो सारी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मेरा ही हाथ रहता है। अब देखते हैं वो कैसे वापस आती है, और सब लोग तो बहुत ही डेफिनेटली परेशान हो ही गए हैं, लेकिन वापस आना थोड़ा मुश्किल है। वही दूसरी ओर अंश को भी होश आ गया है, तभी तो चुड़ैल को उसने मंडप में छोड़ा और अपनी माँ को याद करने लग गया। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो दावंश था वो अब चला गया है, और दावंश वापस अंश बन गया है, और अंश अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो अंश के लिए दुनिया है उसकी, तो इस हालत में देखकर अंश टोटली टूट गया है। मतलब कोई ऐसा इमोशन रहा नहीं है जो वो नहीं दिखा पा रहा है, वो बुरी तरह से टूट गया है अपनी माँ को इस हालत में देखकर, और वो पूरी कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द उन्हें ठीक किया जाए। अब आपको बता दें कि एक और खुशखबरी आ गई है, पिया जिसका रंग पूरा नीला पड़ गया था वो अब एकदम ठीक हो गई है और अपने ससुराल लौट आई है। कुल मिलाकर परिवार एक हो गया है। ये सब क्या है, ये शादी का मंडप, किसकी शादी हो रही है। बेटा भी ठीक हो गया, बहू भी ठीक हो गई, लेकिन बेचारी माताश्री वो बर्फ बन गई है। अब देखते हैं कि देवश्री को बहू और बेटे वापस कैसे लाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।